प्लेट में सेब का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्केल की सहायता से 15 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे और ये 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। और 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद इसका आधा करेंगे। 15 सेंटीमीटर का आधा होता है 7.5 सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर से हम डेढ़ सेंटीमीटर का एक ऐसे डेढ़ सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, दो लाइन और ये लाइन खींच ली। अब प्यारे बच्चों हम लोग धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेंगे, एक छोरे पर दूसरे छोर पर भी हम ऐसे कर लेंगे। अब हम लाइन को कुछ इस तरीके से खींचेंगे जो इसमें टच होते हुए जाए, करो कर खींचेंगे फिर अच्छा नीचे से भी हम ऐसा ही कर लेंगे। अब हम इसके नीचे डेढ़ है डेढ़ ही सेंटीमीटर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और कुछ सीधी लाइन ले जाएंगे ऐसे करके। इसके बाद हम यहाँ से इसमें मिलाएंगे, सेम दूसरी तरफ से भी ऐसे मिला देंगे। आइए अब हम इसे पक्का कर लेते हैं। ऊपर वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सेब जो बनाना है एक गोला बना लेंगे पेंसिल से, कोशिश करेंगे कि गोल हो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं शैक्षिक चैनल आर्ट एंड टीएलएम गुरु। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।